जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन। साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बनते सुमित रतन जी का कि उन्होंने आदर सम्मान दिया और बोलने का मौका दिया। साथियों, मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथी, सामने बैठे श्रोतागण, सभी को मेरा नमोबुद्धा जय भीम। साथियों, देश के हालात कैसे हैं सब लोगों को पता है, और ऐसे हालातों में दुश्मन को चुनौती देना कोई शेर दिल वाला ही कर सकता है, क्योंकि आज जो माहौल है पूरे देश के अंदर, संविधान को खत्म करने की पूरी प्लानिंग चली हुई है, कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज निकालता है तो झूठे मुकदमे डालकर जेल में डाला जाता है, मगर ये जानते नहीं है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध के मानने वाले हैं, तुम्हारे झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के अंदर जो क्रांति लेकर आए हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कलम के माध्यम से जो संविधान दिया है, वो संविधान हमें आजादी देता है कि हम इस देश के अंदर वो सब काम कर सकते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है। मगर संविधान को पढ़ना पड़ेगा। संविधान हमें आजादी देता है कि हम समता की बात करेंगे, हम भाईचारे की बात करेंगे, फिर इन लोगों को कौन सा संविधान आजादी देता है कि ये सत्ता में बैठकर भी ये विषमता की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं। तो आपको समझना होगा, जिनकी सत्ता होती है धर्म उनका होता है। आप सत्ता के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे बंसल जी ने अभी कहा कि लोगों को पार्लियामेंट में जाना चाहिए, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जाते हैं, मगर वहां कोई क्रांतिकारी नहीं जाता है, सब अपनी कुर्सी की बात रखने के लिए जाते हैं। इस कुर्सी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया है और संघर्ष करके हमको एक आजादी दी है, संविधान की आजादी जो देने के बाद जब हम लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला तो हम सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद हमारे साथ क्या हुआ आपने देखा होगा कि आज क्या हो रहा है। मगर हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को समझने के तैयार नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूर्ण रूप से मानने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर क्या किया कि आप बुद्ध बन जाए, मगर हम लोग तो कह रहे थे कि दो नावों में हमने पैर रख रखा है, मुझे लगता है कि दो नहीं तीन चारों में रख रखा है, बहुत से लोग तो और भी जाते हैं, देखा नहीं कहां कहां जाते हैं, क्योंकि भगवान की उनको एक आशा चाहिए। और मेरा मानना है कि भगवान को दो प्रकार के लोग मानते हैं, कायर और लालची लोग मानते हैं, और कोई नहीं मानता। बुद्ध ने भगवान को नहीं माना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं माना, हमारे महापुरुषों ने नहीं माना। हमारे महापुरुषों ने कहा कि माना मानव एक समान की बात होनी चाहिए, भगवान की बात नहीं होनी चाहिए। हम भगवान और भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं इंसानियत पर, हम विश्वास करते हैं संविधान पर, हम विश्वास करते हैं मानवता के अंदर। मगर कुछ लोग संविधान को तोड़ना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लोग संविधान के पीछे क्यों पड़े हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। संविधान आपको आजादी देता है, हर चीज की आजादी देता है। अगर मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं तो संविधान आजादी देता है, आर्टिकल 19। अगर मैं वकील बना हूं तो संविधान आजादी देता है। हमारे वकील साहब अभी कह रहे थे, पूर्व मंत्री भी थे राजेंद्र पाल गौतम जी, कि उन्होंने LLB की, और LLB करते करते 8000 रुपया लगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने LLM तक किया, मेरा एक पैसा भी एजुकेशन में नहीं लगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रिजर्वेशन से मुझे एजुकेशन मिली है। आपने देखा होगा जब यह सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक तो जीरो बैलेंस पर एडमिशन हुआ करते थे, मगर और सरकार में क्यों नहीं होते हैं यह आपको समझना पड़ेगा। ये हमारी एजुकेशन को खत्म करना चाहते हैं, एजुकेशन को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि एजुकेशन आपको ताकतवर बनाती है, आपको सवाल करने का मादा देती है। एजुकेशन इनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करने का आपको मादा देती है, इसलिए एजुकेशन को खत्म करना चाहती है।
मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने बात को खत्म करना चाहता हूं। और भी वक्त है साथियों, आपने सर्कस देखा होगा, सब लोगों ने सर्कस देखा होगा। सर्कस में शेर हुआ करते थे पहले, शेर और बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो उसमें उनको आदेश देना पड़ा कि किसी भी जानवर को आप सर्कस में नहीं रख सकते हैं। तो सारे जानवरों को छोड़ना पड़ा, शेरों को भी छोड़ना पड़ा। अब शेरों को जंगल में छोड़ दिया। 10 दिन के बाद अखबार में लिखकर आया कि शेरों का जंगली कुत्तों ने शिकार कर लिया है, शेरों का जंगली कुत्तों ने शिकार कर लिया है। शेरों का जंगली कुत्तों ने शिकार क्यों किया? क्योंकि शेर पिंजरे में था, वो अपना स्वभाव भूल गया था, वो आक्रमण करना भूल गया था, और जो कुत्ते थे वो अपना एक जोश आ गया उनके अंदर, और वो निपुण हो गए थे शिकार करने में। अपने बच्चों को गाड़ा में रखेंगे तो पिंजरे के शेर बनाएंगे, उनका कोई भी शोषण करेगा, उनका कोई भी शिकार कर लेगा। इसलिए आप लोगों को पिंजरे का शेर नहीं बनाना है, आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उनको भीम सैनिक बनाना है। और एक बात और, आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनना आसान है, अंबेडकरवादी बनाना उससे भी 100 गुना ज्यादा कहीं टफ है। अंबेडकरवादी बनना, बुद्धवादी बनना इतना आसान नहीं है। जब भी तो लोग कहते हैं कि जो गलत होता है उसको कौन आवाज लगाता है? अंबेडकरवादी आवाज लगाता है। गलत का हमेशा आपको विरोध करना है, क्योंकि अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली संतानें गूंगी पैदा होंगी, अगर आप विरोध करेंगे तो इतिहास में आप बागी कहलाएंगे मगर आप गुलाम नहीं कहलाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।